নোভেল করোনা বিশ্বজুড়ে আতঙ্কের এখন এটাই নাম বাদ নেই আমাদের দেশও প্রতিদিন লাফিয়ে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা প্রত্যেক দেশবাসী সে এক অর সমর্থন মাগ রহা ये है जनता कर्फ्यू। जनता कर्फ्यू यानी जनता के लिए जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू। इस रविवार यानी दो दिन के बाद 22 मार्च को, 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। इस जनता कर्फ्यू के दरमियान कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले, न सड़क पे जाए, न मोहल्ले में या सोसाइटी में इकट्ठे हो, अपने घरों में ही रहे। तो 22 मार्च को हमारा ये प्रयास, हमारे आत्मसंयम, देश हित में कर्तव्य पालन के संकल्प का एक मजबूत प्रतीक होगा। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू की सफलता, इसके अनुभव हमें आने वाली चुनौतियों के लिए भी तैयार करेंगे। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा कर दी है, आज रात 12 बजे से इस देश में 3 हफ्तों के लिए यानी 14 अप्रैल तक के लिए संपूर्ण लॉकडाउन। तमाम देशवासियों से उन्होंने अपील की, जिस तरीके से जनता कर्फ्यू को बीते इतवार को उन्होंने सफल बनाया, उसी अंदाज में अब अगले 3 हफ्तों तक संपूर्ण लॉकडाउन को भी सफल बनाए। इस आदेश को माने कि अगले 3 हफ्तों तक घर से बाहर नहीं निकलना है। सोशल डिस्टेंसिंग ही एक सबसे बड़ा ताकतवर हथियार है, जिस वजह से कोरोना जैसे वायरस को हराया जा सकता है, मात दी जा सकती है। मेरी आपसे प्रार्थना है और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप इस समय देश में जहां भी हैं वहीं रहें। अभी के हालात को देखते हुए देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा। और जब मैंने पिछली बार आपसे बात की थी तब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे कुछ सप्ताह मांगने के लिए आया हूं। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो कोरोना वायरस की संक्रमण साइकिल तोड़ने के लिए कम से कम 21 दिन का समय बहुत अहम है। अगर ये 21 दिन नहीं संभले तो देश और आपका परिवार 21 साल पीछे चला जाएगा। इसलिए बाहर निकलना क्या होता है ये इन 21 दिनों के लिए भूल जाइए। घर में रहे, घर में रहे और एक ही काम करे कि अपने घर में ही रहे। द फर्स्ट कोरोना वायरस पॉजिटिव केस इन वेस्ट बंगाल हैज बीन रिपोर्टेड फ्रॉम कोलकाता। He directly went to his home. Thank you.
লকডাউনের মধ্যেই বাজার চায়ের দোকানে মানুষের ভিড়, তাতে এই সংক্রমণ ছড়ানোর আশঙ্কা। সতর্ক হওয়ার আবেদন মুখ্যমন্ত্রীর। অনেকে দেখছি, আমরা শুনছি, গাদা 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 করে লাইন করে জিনিস কিনছেন, ফলে একজনের যদি করোনা থাকে সেটা কিন্তু 100 জনের পৌঁছচ্ছে, এবং 100 জনেরটা কিন্তু 1,000 হবে, 1,000-এরটা 10,000 হবে, 10,000-এরটা 1,00,000 হবে। সেই জন্য বাজার যারা যাচ্ছেন তাদের কাছে আমার একটাই অনুরোধ থাকবে, হাত জোর করে বলি, মা ভাই বোনেরা আমার দোষ নেবেন না, ক্ষমা করবেন, আপনাদের ভালোর জন্য বলছি, না তো আমি কেন আপনাদের বলবো, আপনারা ভালো থাকলে তো আমি ভালো থাকবো। একসাথে গাদাগাদিভাবে দাঁড়িয়ে লাইনে জিনিস দয়া করে কিনবেন না, একটু দূরত্ব রেখে, যাতে আপনার যে স্পর্শ আর একজনকে স্পর্শ না করে, ভিড় থাকলে একটু দূরে দূরে দাঁড়ান, তাতে আপনারা ভালো থাকবেন। দেশ মে কি আচ্ছি বাত ইয়ে হ্যায় কি করোনা কা গ্রাফ গির রাহা হ্যায়, রিকভারি রেট জ্যাদা হ্যায়, ডেথ রেট বহুত কম হ্যায়, করোনা কো কাফি হদ তক কন্ট্রোল কিয়া গয়া হ্যায়, और ऐसा हुआ है सुपर एक्ट गवर्नमेंट और उसके सुपर फास्ट टेस्टों से। यानी मोदी के पास 3 मई के बाद का भी प्लान तैयार है, अस्पताल, बेड्स, वेंटिलेटर्स, डॉक्टर्स, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सब पूरी तरह तैयार है।